फ्रेंड्स, आज सुबह हमारे पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह से बहुत ही सुहावना इदम एवं बहुत ही रमणीक दृश्य यह आप देख सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही आनंददायक धूप खिली हुई है, यह आप देख सकते हैं। आसपास का वातावरण किस तरह से धूप की रोशनी में नहा रहा है और सामने हिमालय पर्वत विराजमान है, ये देख सकते हैं। ये हिमालय पर्वत बर्फ़ से आच्छादित हो रखा है और बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छा इस समय है प्रकृति के दृश्य हो रखे हैं, ये देख सकते हैं। क्योंकि अभी अभी बारिश होने के बाद यहाँ पर धूप खिली है तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों का, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों का दृश्य कुछ इस तरह से। और ये हमारा मोहल्ला सुबह की धूप में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने रानीचोरी मार्केट। नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना। सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपनी नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं मिसेज अनिता जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम दोनों किसी मंदिर में जाने की सोच रहे हैं। यहाँ पर 4-5 शिवालय हैं, लेकिन अभी हमने तय नहीं किया है कि हमने कौन से शिवालय में जाना है। तो तैयारियां तो हमने शुरू कर दी हैं, ये देख सकते हैं। ये टोकरी है, इसमें फूल वगैरह और जो भी मंदिर में चढ़ाना होता है वो सामग्री ये हमारी मिसेज अनिता जी ने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। तो हम जा रहे हैं, उसके बाद जब हम मंदिर पहुँच जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, यदि आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपनी दुकान में हैं और अब हम जा रहे हैं शिवालय की तरफ। तो बीच बीच में जो भी रमणीक स्थल होंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये देख सकते हैं बाहर ये मिसेज अनिता जी हैं, ये हमारी बाइक है और बाइक से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम रास्ते में पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं शिवालय मंदिर की ओर। तो बीच रास्ते में रुके हैं, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ठीक हमारे गांव के ऊपर है। तो यहां से भी आपको कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हम यहां सड़क पे खड़े हैं और यहां से आप सामने देख सकते हैं जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं ये माँ पुण्यासिनी माता जी का मंदिर है और ये ठीक हमारे गांव के ऊपर यहाँ पर स्थापित है। और ये हमारा पुराना मोहल्ला है जहाँ पर हमारे पुराने घर हुआ करते थे, ये मैंने परसों के वीडियो में भी आपको दिखा रखा है। और ये आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉरेस्ट लैंड है, बहुत ही भव्य जंगल आप देख सकते हैं सामने। और ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारे गाँव का है सावली का। ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे पेड़ हमारी ज़मीन में उगे हुए हैं। और ये हमारा पुराना घर देख सकते हैं और इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये रानियों का ढोंड है, इसको रानियों का ढोंड कहते हैं। और यहाँ सामने ये रानीचोरी मार्केट है, ये ऊपर पर्वतीय परिसर रानीचोरी और बहुत ही रमणीक ये स्थान है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं शिवालय की तरफ और जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है रसाड़ देवता, जो यहाँ जो रानीचोरी हमारा क्षेत्र है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर स्थापित है महादेव जी। और अभी हम रास्ते में हैं तो रास्ते से हम दिखा रहे हैं आपको प्राकृतिक नज़ारे, यहाँ से हिमालय पर्वत भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और ये आसपास गांव के नज़ारे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर यहां से दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चंबा शहर यहां से बहुत ही अच्छा यहां से दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं यहां पर। और आसपास
एक घना जंगल, एक ग्रेटर हिमालय बहुत ही साफ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर साल भर बर्फ़ जमी होती है, और सामने ये चौखंबा पर्वत बिल्कुल यहाँ से साफ सुथरी धूप के साथ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये मंदिर में जाने वाला रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है। जबकि पिछली बार हम यहाँ पे आए थे तो हमने ब्लॉक बनाया था, तो उस समय ये रास्ता कच्चा था। तो अब आप देख सकते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है। और फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की तरफ। यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है, हालांकि रास्ता बिल्कुल पक्का रास्ता है। बाइक हमने नीचे खड़ी कर दी है, और ये पीछे से मिसेज अनिता जी भी आ रही हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बांस का घना जंगल, बहुत ही रमणीय स्थान पे मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और ठीक मेरे पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालय। और इस तरह से आप देख सकते हैं मंदिर में जाने वाले भक्त, पीछे से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हम बिल्कुल मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं, और सामने ये चंबा सागर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप मंदिर के आसपास के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत इस स्थान से दिखाई दे रहे हैं। और हम लगातार रसार महादेवता के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस सारे भक्तगण लोग जा रहे हैं। सामने हिमालय पर्वत, और इस तरह से हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, रसार महादेव जी का मंदिर। ये देख सकते हैं भक्तों की कितनी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, और सुबह से ही यहाँ पे भक्तगणों का तांता लग चुका है, और काफ़ी लोग नीचे तक ये लाइन लगी हुई है। ये देख सकते हैं हमारा नंबर कब आता है, ये अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक डेढ़ घंटा हमें यहाँ पर लग जाएगा। और अंदर तक देख सकते हैं कितनी लंबी ये लाइन लगी हुई है भक्तों की। और यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, और ये यहाँ की जो हमारा एरिया है रानीचोरी चंबा, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और उस चोटी पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इसके आसपास बांस के बहुत ही घने जंगल हैं, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। आप भी ज़रूर इस स्थान पर आइए। ये चंबा बासाई थोल के पास भरता है, और ये देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। अभी इसको 10-12 साल बने हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और इस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगनी प्रारंभ हो गई थी। देख सकते हैं सभी लाइन में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, कब हम महादेव जी के दर्शन करेंगे। और अंदर खचाखच भीड़ आप देख सकते हैं, पूरी लाइन इस तरह से मंदिर परिसर में, और मंदिर के बाहर भी इतनी भीड़ लगी हुई है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ लगेगी, लेकिन जब देखा, ये देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन मंडली यहाँ पर कीर्तन कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर सारी महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है और कीर्तन की तैयारी कर रही है। देख सकते हैं बाहर की तरफ से कितनी भीड़ है, और नीचे रास्ते तक ये भीड़ लगी हुई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन प्रारंभ हो गया है, और सभी लोग लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कीर्तन का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत ही रमणीय स्थान, यहाँ पर आकर मन प्रसन्न हो जाता है, और लगता है कि पूरे दिन भर हम यहीं पे बैठे रहे, मन को असीम शांति की प्राप्ति होती है इस स्थान पर आकर। और ये देख सकते हैं हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे भक्तगण देख सकते हैं अपने अपने जो भी उन्होंने यहाँ पे
चढ़ावा लाया था यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, हर हर महादेव जी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से भीड़ लगी हुई है और सबका यहाँ पे नंबर आ रहा है और उसके बाद प्रसाद वगैरह को यहाँ से ग्रहण करके फिर बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे महादेव जी को यहाँ पे पानी चढ़ा रहे हैं। और ये पंडित जी हैं यहाँ पर, ये सभी लोगों को ये तिलक लगा रहे हैं। और ये देख सकते हैं नंदी बैल ये मंदिर परिसर के बाहर ही स्थापित हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग दूर दूर से आ रखे हैं तो यहाँ पे हिलना मिलना भी हो रहा है। और ये देख सकते हैं कीर्तन मंडली यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर हो रखा है। और सभी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग इस स्थान पर आते हैं। देख सकते हैं कीर्तन प्रारंभ हो चुका है। लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे महिला शक्ति यहाँ पे नाच भी रहे हैं कीर्तन के साथ और बड़ा आनंद। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय भारत, जय उत्तराखंड।